यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। क्या हुआ मुस्तकीम, कुछ दिया ऊपर वालों ने? जी वही दिया जो हमेशा देते हैं। क्या? तसल्लियां और दिलासे। मतलब फेर कराया नहीं दिया? अगले हफ्ते दे देंगे यही फरमा रहे थे वो। अगले हफ्ते तो महीना ही मुक जाना। अरे बेगम, इससे तो अच्छा था कि हमारी कोरंगी वाली फूफो जान को ये मकान दे देती हैं आप, किराया भी वक्त पे मिलता। कितना कह रही थी वो बेचारी, आपने उनकी एक नहीं सुनी। उनको दे देती मैं है, सवेरे शाम दिमाग खाती। अजी सिर्फ दिमाग ही क्यों, दिल गुर्दे कलेजी और बकरे की जबान बहुत शौक से खाती है हमारी फूफो जान। और बकरे की नहीं, मैं अपने दिमाग की बात कर रही हूँ मुस्तकीम। खैर वो तो आपके पास है ही नहीं। जी ओए मुस्तकीम, पहले ही बहुत गुस्से में हूँ मैं, पता नहीं इस कार का खर्चा कैसे चलेगा। खोरे अरे एक मशवरा है बेगम, बिल्कुल मुफ्त। हम कहते हैं किसी और किराएदार को रख लेते हैं यहाँ नीचे। अच्छा नीचे, ते हम कहाँ सोएंगे, बाहर लॉन में? अरे बेगम अपने कमरे के साथ वाला जो कमरा, हम उसकी बात कर रहे हैं। सिर्फ एक आदमी को किराए पे देंगे ताकि हर महीने किराया मिलता रहे और हमारा हाथ भी तंग ना हो। गल तो बड़ी चंगी कीती है मुस्तकीम, पर मेरी एक शर्त है, कमरे का किराया ना कट तो कट भी 1,00,000 रुपया होगा। 1,00,000 बेगम? हाँ हाँ, 1,00,000 में ही खाना पीना चाह पापा शरबत सब कुछ शामिल हो। चले फिर तो ठीक है, हम अभी राणा भाई को फोन करते हैं, उन्होंने नया नया काम शुरू किया ना प्रॉपर्टी डीलिंग का, यकीनन वो हमारे पास कोई माकूल सा किराएदार भेजेंगे। हम अभी बात करते हैं। अरे राणा भाई, हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, यकीनन आप हमें कोई अच्छा ही किराएदार देंगे जो टाइम के टाइम हमें किराया दे दे। बस आपकी भाभी की एक ही डिमांड है कि किराया 1,00,000 रुपए होगा। जी जी, हम सर के बाल हाजिर हुए, हम आ रहे हैं आपके पास। यार महमूद साहब, आपसे कितनी दफा कहे, नंगा मुंह लेके अचानक किसी के सामने मत आया करो। यार मुस्तकीम साहब, हम आपके किराएदार हैं यार, हमारे होते हुए आप नए किराएदार कैसे रख सकते हैं? अरे भाई हम आपको क्यों बताएं, आप कोई हमारी बेगम थोड़ी है जो हम आपसे खौफ खाएंगे। अरे इतने बड़े मुंह वाली डायन तो हो सकती है, बेगम नहीं हो सकती। अरे ये मजाक का वक्त नहीं है नबील, मुझे बात करने दो ना। अरे मुस्तकीम साहब, अरे आप हमें नोटिस दिए बगैर किराएदार कैसे रख सकते हैं? अरे भाई हम तो किराएदार नीचे वाले पोर्शन में रख रहे हैं, बस एक कमरा दे रहे हैं किराए पे। अच्छा अच्छा, तो आप लोग पेइंग गेस्ट रख रहे हैं? जी जी बिल्कुल वही, कम से कम 1 महीने का कमरे का किराया तो मिल जाएगा भैया, आप लोग तो महीने का आखिर कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपने। कौन सी बात? किराएदार कोई भी हो, उसकी हाइट तकरीबन मेरे कंधे तक आनी चाहिए, आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, रंग गंदुमी और बाल सिल्की से होने चाहिए। हाँ, आंखें नीली नीली होनी चाहिए, और अगर नीली आंखें ना भी हो तो कोई बात नहीं, ब्राउन भी चलेंगे। हाँ हजरात बिल्कुल इत्मीनान रखिए, हम आपका रिश्ता देखने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि किराएदार 1,00,000 रुपया अफोर्ड करेगा या नहीं, चाहे उसकी उम्र 60-70 बल्कि 80 साल भी क्यों ना हो। मुस्तकीम साहब यार, क्या हो गया आपको यार, क्या आपका दिल नहीं करता कि आप किचन में बर्तन धो रहे हो तो एक खूबसूरत सी सिल्की बालों वाली लड़की आके आपको कहे, सुनिए 1 ग्लास ठंडा पानी का पिला देंगे आप? और फिर जब आप लॉन में पानी देने के लिए आए तो वो प्यार से कहे, जानू जी जानू, मुझे ताजा गुलाब तोड़ के दे दो ना प्लीज। अभी तोड़ देते हैं। मुस्तकीम, अभी तक गए नहीं हो तुम? जी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जोजी बेगम। अरे भाई आप हमें परेशान किए दे रहे हैं, हटिए, हमें देर हो रही है। हटे तो हुए हैं भाई, भाई बड़े ही रणमुरी नहीं है, बावला हो गया है। मैं समझता था आप बड़े रणमुरी। जोजी आंटी, आप पेइंग गेस्ट रखने से पहले हमें इन्फॉर्म तो करती, पता तो चले कि कौन है कैसा है। कैसा नहीं, कैसी जानू, अब जोजी बाजी औरतों वाले घर में मर्द थोड़ा पेइंग गेस्ट रखेंगे। हाँ वैसे भी बाहर का मर्द घर में घूमे फिरेगा कितनी बेपर्दगी होगी नबील। कोई बात नहीं मसूद, हम बड़े मॉडर्न लोग हैं। मुमताज तुम्हें नहीं पता, अरे कैसे कैसे मर्द होते हैं दुनिया में। हाँ ऐसे वैसे मर्द होते हैं। पता है मसूद, हुमायूं सईद और अदनान सदीकी जैसे भी होते हैं मर्द। कंट्रोल करें माँ जी, कंट्रोल। भाई मैं तो 100 बातों की 1 बात कहूंगी, बंदा आए बंदी आए कोई भी आए, किराया टाइम पे देना चाहिए बस, तुम लोगों की तरह कोई भूखा फकीर ना हो। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। कौन है? माइकल जैक्सन की बहन। अरे रबीर मियां क्या कह रहे हैं आप? जोजी बेगम
ये हसीना है हसीना। देख ले कोजी बाजी तेरे सामने पराई औरतों की तरीफे हो रही हैं। मेरा नाम हसीना है और मुझे कमरा किराए पे चाहिए। 1,00,000 किराया है। जी जी सुखी मुझे मंजूर है। नहीं नहीं लगता है खासी खाती पीती फैमिली की है लग रही है ना। नहीं नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी एक ही बहन है वो भी दुबई में होती है। मैं यहाँ पे अकेली और यहाँ का सारा काम मैं अकेली देखती हूँ। अभी अभी मैंने अपना बंगला बेचा है और जब तक मुझे दूसरा बंगला अच्छा बंगला मिल नहीं जाता तब तक मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई मकान या कोई कमरा किराए पे ले लूं जहाँ मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। सही सही। अरे यहाँ तो आपको शदीद सुकून मिलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि मैं तो आपके कमरे के बाहर खुद पहरा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप घर के चौकीदार हैं? अरे ये सिर्फ शक्ल से चौकीदार लगता है, वैसे तो हम सब यहाँ पे किराएदार हैं। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी ना तो आप प्यार से आराम से आवाज दीजिएगा, महमूद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आप कोई जिन है जो हाजिर हो जाएंगे? चले मेरे साथ ऊपर, ये खुद ही निबटते रहेंगे अपने किराएदार से। चलो आप तशरीफ लाइए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। ना तू क्यों दिखाएगा कमरा है, कमरा मैं आप दिखा लूंगी। आओ जी आओ। कोई काम तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। हाँ मोमो, अब वो तुम्हें मीठे गोलगप्पे पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ना वो खराब है। वो क्या दिमाग? नहीं, वहाँ जहाँ चूहे दौड़ते ना। पेट महमूद साहब पेट। चलो तो मैं चूरन ले आता हूँ तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है नीचे जाने की, मैं पेट पे दुपट्टा बांध लूंगी। वो जानू मुझे तो पैसे दो ना, सब्जी लेके आऊँ यार। सब्जी है घर पे नबील। तुम कब से घर पे सब्जी उगाने लगी हो जानू? कल की बची हुई सब्जी है नबील, आज मैं चिकन बनाऊंगी। तो जानू कल भी तो सब्जी पकानी है ना, कल वाली सब्जी ले आता हूँ। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर नीचे नहीं जाओगे नबील। आप भी हफ्ता खान। तुम लोग हमें ऊपर कैद करके नहीं रख सकती। शट अप। पिएंगे तो चाय और मीठी हो जाएगी। चाय थल्ले रख। अरे बेगम अगर हमने चाय थल्ले रख दी तो फिर हसीना पिएंगी कैसे? और चाय उसके लिए मैं खुद लेके जाऊंगी। तौबा तौबा तौबा, यानी हमारे होते हुए आप काम करेंगी, हमारे हाथ में टूट जाएंगे। मुस्तकीम मैं तेरी सारी शौकियां चंगी तरह समझ रही हूँ, जब तक वो कुड़ी इधर है ना उसके कमरे का रुख भी ना करना, ते जो कमरे से निकल के बाहर आए ते अपनी आँखें नीची कर लेना, नहीं तो तेरे आने काट देंगे। अरे चाची बेगम आपकी कसम, हम सर उठा के भी नहीं देखेंगे, और गलती से कहीं देख भी लिया तो आपका उसी वक्त इंतकाल हो जाए फौरन। ओए कौन आ गया? मैं देखती हूँ दरवाजे पे, फिर चा मैं लेके जाऊंगी, समझ आई है? इतना जालिमाना फैसला। हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? वो तू है कौन ये बोल? मैं तनु हसीराबाजी से मिलना है। हाँ तो मिल लेना। ये सामान किसका है? मेरा है और किसका है? वो तो ये सामान यहाँ क्यों लाई है? क्योंकि मैं भी यही रहूंगा ना। रहूंगा? हाँ तो जहाँ हसीराबाजी रहेंगी वहाँ पे मैं रहूंगा, उनका मेरे बगैर काम नहीं चलता ना। ओहो एक मिनट, ये बात पहले डिसाइड हो गई थी कि 1,00,000 में एक बंदा रहेगा इधर, तो तू कितू आ गई है? ओ भाई मुझे हसीराबाजी ने बुलाया है, बुला उनको। बुलाती हूँ, तू जाके लान में बैठ। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? हमने अभी अभी बहुत सुरीली सी किसी लड़की की आवाज सुनी। कौन में ना सड़ती हुई माचिस की तिली डाल देनी है, मैंने लड़की की आवाज सुनी है। अरे बेगम ये तो फरमाइए कि वो थी कौन? कोई तन्नु थी, कह रही थी हसीना के पीछे आई है, ये भी कह रही थी कि वो भी साथ रहेगी। अरे भाई ऐसे कैसे साथ रहेंगी, हम अभी देख के आते हैं। और ठहर जाओ, तू देख के आते हैं, मैं देख के आती हूँ। भाई आवाज तो बहुत सुरीली थी, कहाँ चली गई है? अरे भाई कहाँ हो नबील? अरे नीचे लॉन का मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा है। महमूद साहब मुझे मौसम और आप दोनों जहर लग रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनो मेरी, वो जो हसीना है ना, अरे उसके साथ एक और लड़की भी है। एक
और लड़की। चलो ना यार नबी, नीचे चलते हैं ना, पता नहीं बेचारी किस मुश्किल में होगी, हमारा फर्ज बनता है उन्हें पूछना यार। मेरा तो ख्याल ये है कि आप बीवियों का पहरा दें, मैं पूछ कर आता हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो फिर तुम पहरा दो, मैं पूछ के आता हूँ। नहीं नहीं महमूद साहब, वो बेचारियाँ आप जैसे बुजुर्ग और कमजोर आदमी को देख कर अपना मसला थोड़ा बताएगी, वो तो मुझ जैसे शी जवान और जाबाज को देख कर अपना मसला बताएंगी ना। तो तुम्हें लगता है कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा? नहीं, अरे मैं पूरी तरह से फिट हूँ। 100 पुशअप्स लगा के दिखाएं। और 100 तो मैं यूं लगा लूंगा मिनट में। अरे भूल गए, रोज पार्क में वर्जिश करता हूँ मैं। ओ बस कर दे, मुझे पता है आप पार्क में क्या करने जाते हैं यार, अंधे की एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि खूबसूरत लड़कियों से टकराएं और खूबसूरत लड़कियां आपको घर छोड़ के जाएं। तो वैसे ही शुगल में मैंने एक आध बार किया था नबीर। अच्छा छोड़ो ना इसे, ये बताओ कि चले नीचे या यहीं बैठे रहे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखे। यार महमूद साहब, जाने को तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन हमारी बीवियां मार देंगी हमें। अरे वो दोनों तो सो रही हैं अपने अपने कमरों में। एक काम करते हैं, बाहर से ना ताला लगा कर चलते हैं। मेरा तो ख्याल है तालों में ग्लू डाल देते हैं। अरे बेवकूफ, हमने वापस आके खोलने भी तो है ना। ये ठीक है, चले दरवाजे तो चला, 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 आज बाहर। तकीम साहब, ये बड़ी घटिया हरकत है छुप छुप के बातें सुनना। भाई आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपकी तरह छुप छुप के बातें सुनने नहीं आया, हम तो उनके सामने जाके उनकी बातें सुनना चाह रहे हैं। भाई हमारे हमरा तशरीफ लाइए, अभी पता किए लेते हैं कि माजरा क्या है। आइए आइए, हौसला आ गया इस पे। बाजी हसीना, बस मेरे रहने का मसला हो रहा है मुझे। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तू इधर ही रहेगी। देखिए आपके यह रहने पर हमें तो कोई एतराज नहीं, मगर जोजी बेगम ऐसा होने नहीं देंगी। मैं यही रहूंगा। गाता मेरे मनवा गाता जा रे। एक्चुअली मसला ये है कि ये रह सकती हैं, अगर नीचे जगह ना हो बाजी तो ये ऊपर आके रह सकती हैं ना। अबे ओ बत्ते से अंदर काट। आप तो दमदार किस्म की खातून लग रही हैं मुझे। अरे हसीना जी को देखिए ना, कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है। मुझे ना ऐसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अबे ओ बुड्ढे, बड़ी शक्ल से लग रहे हैं। हसीना बाजी से फ्लर्ट कर रहा है? तनु तू गन अंदर रख, शरीफ लोग हैं बेचारे, एक आध गोली चल गई ना तो इनमें से एक बुड्ढा ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा, मजाक है तनो जी, प्लास्टिक ही होगी ना, आपने अपनी हिफाजत के लिए रखी होगी ताकि बड़े मुंह वाले दरिंदों से बच सके आप। ये गन असली है और गोली भी असली है, खा के देखेगा। आप ये फरमाइए कि आप हैं कौन? सुपारी लेती है सुपारी, 55 मर्डर कर चुकी हैं और शहर का कोई ऐसा थाना नहीं जो इनको पकड़ ले। सबसे बड़ा गैंग चलाती है हसीना बाजी। हसीना के खौफ से आ जाता है लोगों के माथे पे पसीना। अगर तुम तीनों में से किसी ने छिछोर पना किया ना तो ये देख रहे हो ना, और ये टांग ऐसी गोलियां मारूंगी कि चल नहीं पाओगे कभी। निकलो यहाँ से, निकलो तुम्हारे। वो हसीना और उसकी जो चेली है ना, दोनों के पास असला है। मैं भी इनका गैंग ज्वाइन करूंगी इशफाक। अरे मोमो, ये बड़ी खतरे वाली बात है यार, इस घर की छत के नीचे वो डॉन है और 55 कत्ल कर चुकी है। क्या चोजी आंटी ने छानबीन किए बगैर ही किराए पे दे दिया घर? अरे उन्हें 1 लाख रुपया किराया जो मिल रहा था। इसीलिए तो 1 लाख में चटपट फटाफट मान गई। अरे जोजी बेगम, उनके पास असलाह भी है, कुछ भी हो सकता है। अगर चाय में चीनी कम हो गई तो भी गोलियां चल सकती हैं, अगर खाने में नमक ज्यादा हो गया तो भी गोलियां चल सकती हैं। और हाँ, काम की बात जोजी बेगम, अगर आपकी आवाज जरा भी ऊंची हुई तो फिर ये गोली नहीं, क्लाशनकोफ का ब्लास्ट चलेगा, ब्लास्ट, और फिर तबीयत खुश हो जाएगी, मजे आ जाएंगे। गोली? नहीं 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 मुस्तकीम, मैंने नहीं गोली खानी। आप एक काम करें, उसके पैसे वापस करें और उसे निकाल के बाहर करें। अरे भाई हम कैसे बाहर कर दें जोजी बेगम, उनकी चेली तो बात बात में अब पिस्तौल निकाल लेती है। और जोजी बेगम सच्ची बात तो ये है कि हम आपको इस बुढ़ापे में मतलब बड़ी जवानी में बेवा नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, ऊपर वालों को भी नीचे बुला लेते हैं, सब मिल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, बुला दे, चल करिए जी। अच्छा हसीना जी, हमारी बेगम आपसे कुछ कहना चाहती हैं।
अच्छा हाँ बोल। बोजी मैडम मैं कह रही थी कि हमें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि आप गैंग चलाती हैं। हम तो समझे कोई मासूम सी भोली भाली सी जनानी होगी, पर आप तो डॉन निकली हैं पूरी। वो मैं कह रही थी हम ना आपको इस घर में नहीं रख सकते, आप कोई और ठिकाना ढूंढ लें। अब मैं नहीं कह रही है, मैं मुस्तकीम कह रहे हैं ऐसा। हाँ सिन्हा जी, हाँ मुस्तकीम साहब को गोली मार दीजिए। अरे हमें क्यों भाई, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। और नबील ने आप ही कुछ कहिए ना। जी हसीना जी। हसीना बाजी बोल। अच्छा जी देखिए बाजी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप मुस्तकीम साहब को सर पे गोली मारें ताकि उनको तकलीफ ना हो, एक ही गोली में काम हो जाए। देखिए हसीना बाजी, आप ना कोई और घर ढूंढ लें, वो हमें आपके प्रोफेशन का पता नहीं था। ओए अब तो पता चल गया है ना तुझे, और अगर तूने ज्यादा किचकिच की ना तो सबसे पहले तुझे अड़ाऊंगी मैं। हसीना बाजी बिस्मिल्लाह कीजिए। हसीना बाजी मेरी एक गल सुने, आप ना मुझे अपने गैंग में शामिल कर ले, मुझे ना बड़ा शौक है गोली चलाने का। पहले किसको मारा है तूने? हाँ जी इश्फाक को तो मैं रोज मारती हूँ। देखो तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये घर मुझे पसंद आ गया, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं नीचे के पोर्शन में रहूंगी ताकि मैं आराम से अपना काम कर सकूं, और तुम सब ऊपर रहोगे एक साथ। बा, 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 मैं ऊपर नहीं रहना इन लोगों के साथ, आखिर ये मेरा घर है, मैं ओनर हूँ। क्या कहा? वैसे आप लोगों को जाके हसीना बाजी को समझाना चाहिए, ऐसे कैसे किसी के घर पे कब्जा कर सकता है कोई। रहने दे शगुफ्ता, ये कोची की सजा है, हम जैसे मासूम किराएदार इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे तो उसने गुंडी बुला ली पर आट। हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही हैं भाई, तुम एक काम करो, तुम ना पापा जी को फोन करो, उन्हें कहो कि हमें बिजनेस क्लास की टिकटें भेजे, हम सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। और वैसे भी ये घर हमारा तो नहीं है ना, और जोजी बेगम हमेशा से ये चाहती थी कि हम इस घर में ना रहे। अरे महमूद साहब, इस मुश्किल की घड़ी में आप दोनों हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग एक बार बात तो करें ना उससे। तुम तो चाहती ही हो ना कि तुम्हारा शौहर बेमौत मारा जाए ताकि पापा जी की फैक्ट्री तुम संभालो जानू। शट अप नबील। नो इट्स नॉट ओके जानू। देखिए आप लोग जाकर बात करें ना हसीना से, थोड़ा डराएं उससे कि हम नहीं डरते। ट्राई ओ चले यार, मुस्तकीम साहब महमूद साहब चल के बात कर लेते। जोजी बेगम अगर हम वापस ना आए तो हमारे पूरे खानदान को इतला कर दीजिएगा। ओके मुस्तकीम साहब ने भी भाई अपना ख्याल रखना, बाय बाय। चले चले आप भी चले महमूद साहब। क्यों भाई? अरे आपके बड़े मुंह की इतनी दहशत है आपको पता ही नहीं है यार। और राणा तूने भी नहीं बताया महमूद साहब को यार। अच्छा चले 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 आइए। वो पिछले महीने जो सुपारी ली थी उसकी बकाया पेमेंट आई है कि नहीं आई है? चार बार फोन किया है उसको मैंने, अब तो फोन ही उठाना छोड़ दिया उसने। हाँ, लगता है उसके ऊपर जाने का वक्त आ गया। ए! तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना डिस्टर्ब नहीं करना, या काम कर रही हूँ। वो बेसिकली ना बाजी, वो महमूद साहब बात करना चाह रहे थे, मैंने मना किया था लेकिन बात ही नहीं है। मैं क्या बात करना चाह रहा था, वो तो ये मुस्तकीम साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हम ये पूछने के लिए हाजिर हुए थे कि आप टिंडे की सब्जी खा लेंगे या आपके लिए कुछ और बनाए। मुस्तकीम साहब ये क्या बातें कर रहे हैं बाजी से आप यार, टिंडे कद्दू की मतलब की बात करें। तू बता बता क्या मतलब की बात? हाँ ये कि आप घर छोड़ के चले जाए वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये जो है ना, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा तो हमारी बीवियों ने कहा था कि हम जाके कह दें। वो आपको घर से निकालना चाहती है तीनों। हमने ना उन्हें लाख समझाया कि भाई क्या हो गया है, और हसीना जी गैंग चलाती हैं तो काम तो काम होता है ना। हाँ जी हसीना बाजी आप हुक्म करें, चोटी से पकड़ के नीचे ले आऊं या वहीं खत्म कर दूं? भाई हमारी माने तो ऊपर ही खत्म कर दे, क्योंकि हम जोजी बेगम की लाश देख नहीं पाएंगे। लगता है बड़ा प्यार है तुझे अपनी बीवी से। हाँ जी नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। बाजी माफ कर दें, हम आपको आइंदा तंग नहीं करेंगे, मुझे मेरे बाप के बड़े मुंह की कसम है, आप जब तक दिल करता है यहाँ रहे बस खून खराबा ना करें। हाँ सेना जी, हम तो बल्कि यहाँ अपनी नौकरी के लिए आपके गैंग में अर्जी देने के लिए आए थे कि लगते आप हमें भी नौकरी मिल जाएगी, दे देना नौकरी। अबे ओ बड़े मुंह वाले, लगते सर मैंने नहीं बताया हमारे गैंग में कोई मर्द नहीं आ सकता। चलो शाबाश, कट लो यहाँ से। चलो
मुस्तकीम साहब लगता है आपकी नौकरी पक्की है। चले आगे लगे मुस्तकीम साहब बताए ना क्या बात हुई है यार। आखिर कोई बात हुई भी है क्या? नहीं हुई। अरे हुई क्यों नहीं भाई, हमने तो सफा कह दिया, हमने कहा भाई अभी और इसी वक्त हमारे घर से निकली है बाहर। यार महमूद साहब ये बात कब हुई थी? फिर उसने गन निकाल के मुस्तकीम साहब के सर पे रख दी, मुस्तकीम साहब वहीं पिघल गए। हाँ, बड़ी मुश्किल से समेट के वापस लाए इन्हें। इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है ये नबील। पट साहब को फोन करो, मैं बता रही हूँ। अगर उसे पता चल गया ना कि हमने पुलिस बुलाई है तो हसीना ने हम सब में से किसी को नहीं छोड़ना और मुझे मरने का कोई शौक नहीं। अरे पता तो तब चलेगा ना अगर वो दोनों होश में होंगी तो। नबील मियां आपकी इस बात का मतलब क्या है? अरे आप लोग इधर आए ना यार, इधर आए मेरी बात सुने। करना ये है हम सबको। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार। आज वो आज वो आज वो हसीना बाजी को बुलाए। ले ले और कोई खिदमत हो तो मैं बताऊं। इसके बाद कॉफी बने, बाद में डांस पेश करेंगे। यार यार मां जी कंट्रोल करें, यार कंट्रोल करें। पियो 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 शाबाश पियो 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 हाय जबरदस्त हो गया। जानू पट साहब को कॉल करो, जानू पट साहब को कॉल करो, पट साहब को कॉल करो। जानू मैं कर दो, मैं कर दो, मेरे पास मोबाइल है। जल्दी करो, मेरे पास मोबाइल है, होश ना आ जाए। आज मैं पट साहब, आज मैं पट साहब, पट साहब ये रही वो गैंग की औरतें, ये वो बेड़ा कर तुम्हारा, वो तुम लोगों ने हसीना बाजी को बेहोश कर दिया। अरे हसीना बाजी आपकी फूफो की बेटी है यार, आप ये देखें कि हमने कितने खतरनाक मुजरमा को पकड़ लिया है। हाँ, और अब जो भी इनाम मिलेगा ना भट साहब वो आधा आधा करेंगे हम। भट साहब मैंने तो अपने हाथों से शरबत पिलाए, इसे इनाम में से 2 लाख तो सीधे सीधे मेरे पास आने चाहिए। चुप है भट साहब, अब आप इन लोगों को लेके जाए ना प्लीज। और माफ करो मुझे, हसीना बाजी के सामने तो मैं सर उठा के बात नहीं कर सकता। वो मेरे हाथ तो खुद इनकी तरफ से मिठाई के डब्बे आते हैं हर महीने। हसीना बाजी हलवाई है क्या? और मिठाई के डब्बे का मतलब है नोटों का डब्बा माँ जी। और मैं तो चला, अगर इसको होश आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब, उमर साहब, क्या करें, क्या मतलब है भाई? मैं तो कहता हूँ इनके होश में आने से पहले इनको रस्सियों से बांध देते हैं। आप चाहे ना रस्सियाँ लेने, आप फिक्र ना करें, मैं अभी ऊपर जाके रस्से ला के। ओए मुझे बेहोश किया था, हसीना से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार, निकलते हैं।